हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली बायोलॉजी क्लास में हम बात कर रहे थे पर्ण विन्यास, सिरा विन्यास, तो आज हम बात करेंगे पुष्पक्रम, इनफ्लोरेसेंस। पुष्पक्रम क्या है? पुष्पक्रम इनफ्लोरेसेंस इनफ्लोरेसेंस पुष्पक्रम क्या है? जैसे आपने पहले सिरा विन्यास, पर्ण विन्यास पढ़ा, उसी प्रकार से आज हम पुष्पक्रम की बात करेंगे कि पुष्पक्रम क्या है। पुष्प एक रूपांतरित प्रारूप, रूपांतरित प्रारूप प्रारूप है, जिसमें प्रारूप मेरिस्टेम होते हैं। प्रारूप मेरिस्टेम, प्रारूप मेरिस्टेम, पुष्प मेरिस्टेम में परिवर्तित हो जाता है। पुष्प मेरिस्टेम में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात पुष्पक्रम होता क्या है? जैसे आप देख रहे हैं कि ये एक पुष्प अक्ष है, ये पुष्प अक्ष है, पुष्प अक्ष, या जिसे हम पुष्पाक्ष बोल सकते हैं, या अन्य नाम पुष्पावली व्रंथ, पुष्पावली के व्रंथ के नाम से भी जानते हैं, इसे पुष्पावली व्रंथ कह सकते हैं या पुष्पाक्ष भी कह सकते हैं। इसके ऊपर ये लगे हुए पुष्प, ये अनेक पुष्प लगे हुए हैं। कुछ पुष्प एकल पुष्प के रूप में लगे हुए हैं, कुछ पुष्प होते हैं जिस प्रकार से लगे हुए हैं, ये पुष्प लगे हुए हैं, और कुछ पुष्प होते हैं जो इस प्रकार से लगे हुए हैं। कुछ पुष्प होते हैं जो इस प्रकार से लगे हुए हैं। ये सभी आप देख रहे हैं कि पुष्पक्रम पुष्प अक्ष के ऊपर, पुष्प अक्ष के ऊपर पुष्पों के लगने के क्रम को क्या कहा जाता है? पुष्पक्रम कहा जाता है। कि पुष्प अक्ष या पुष्पावली व्रंथ के ऊपर पुष्प किस प्रकार से लगे हुए हैं, इसे ही एक प्रकार से क्या कहा जाता है? पुष्पक्रम। तो हम ये पुष्पक्रम पढ़ने जा रहे हैं कि पुष्प पुष्पावली व्रंथ या पुष्प अक्ष पर किस प्रकार से लगे होते हैं, यानी इस लगने के क्रम को ही एक प्रकार से क्या कहा जाता है? पुष्पक्रम कहा जाता है। तो हम पुष्पक्रम के अनेक प्रकार हैं। पुष्प अक्ष की वृद्धि के आधार पर पुष्पक्रम के निम्न प्रकार हैं, जैसे नंबर एक असीमाक्षी, असीमाक्षी एसोस, नंबर दो ससीमाक्षी साइमोस्टाइट, साइमस साइमोस्टाइप, नंबर तीन विशिष्ट प्रकार के, विशिष्ट प्रकार के, विशिष्ट प्रकार स्पेशल टाइप, स्पेशल टाइप, तो ये पुष्पक्रम के प्रकार हैं असीमाक्षी, ससीमाक्षी, और ये विशिष्ट प्रकार के पुष्पक्रम किस प्रकार के होते हैं, अर्थात इस पुष्पक्रम में हम पढ़ेंगे कि पुष्पावली ग्रंथ के ऊपर पुष्प किस प्रकार से जुड़े हैं, जिसके तीन प्रकार हैं जिसके हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले असीमाक्षी की बात करेंगे, उसके बाद में ससीमाक्षी की, और उसके बाद में विशिष्ट प्रकार के।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं असीमाक्षी। असीमाक्षी पुष्पक्रम क्या है? असीमाक्षी जिसकी सीमा न हो, अर्थात इसके अंदर पुष्प अक्ष होता है जो असीमित वृद्धि होती है, यानी इसमें वृद्धि होती रहती है, और पुष्प होते हैं जो अग्राभिसारी क्रम में, ध्यान रहे कि पुष्प होते हैं जो अग्राभिसारी क्रम में। अग्राभिसारी क्या होता है? आगे की ओर बढ़ते क्रम में, एक के बाद एक, यानी इसके अंदर पुष्प होते हैं अग्राभिसारी क्रम में जुड़े होते हैं, और ये पुष्प पक्ष होता है, इसमें एक प्रकार से असीमित वृद्धि होती है, तभी इसे कहा जाता है असीमाक्ष। यानी इसके ऊपर पुष्प होते हैं जो कौन से क्रम में जुड़े होते हैं? अग्राभिसारी क्रम में जुड़े होते हैं, इस कारण इसे कहा जाता है असीमाक्षी। इसके निम्न प्रकार हैं, असीमाक्षी के निम्न प्रकार हैं जिसकी बात हम करने जा रहे हैं, कि नंबर एक असीमाक्ष, असीमाक्ष, असीमाक्ष पुष्पक्रम क्या है? इस प्रकार के पुष्पक्रम में मुख्य अक्ष लंबा होता है, मुख्य अक्ष लंबा होता है, तथा सभी पुष्प होते हैं जो एक प्रकार से शैवरंत प्रकार के होते हैं, ये पुष्प हैं, और इसके ऊपर ये एक क्या है, ये व्रंत है, ये व्रंत है, और ये क्या है, पुष्प है। यानी सभी पुष्प होते हैं जो कैसे होते हैं, शैवरंत प्रकार के होते हैं, असीमाक्ष बोलते हैं। ये किसमें पाए जाते हैं? सरसों में, सरसों में, मूली में, एक प्रकार से कैसा पाया जाता है? असीमाक्ष पाया जाता है। क्लियर? तो असीमाक्ष क्या होता है? इसमें मुख्य अक्ष पुष्प अक्ष है, मुख्य अक्ष है, इसका पुष्प अक्ष लंबा होता है, और सभी पुष्प होते हैं जो कैसे होते हैं? शैवरंत प्रकार के, जो आप देख रहे हैं कि शैवरंत प्रकार का है, इसे कहा जाता है असीमाक्ष। इसी प्रकार से यौगिक असीमाक्ष, यौगिक असीमाक्ष क्या है? यौगिक असीमाक्ष की यदि हम बात करें, कि यौगिक आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ यौगिक मिलकर एक प्रकार से क्या बनता है, वहाँ यौगिक बनेगा, कि दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर यौगिक मिलकर, जो आप वहाँ बात करते हैं यौगिक की बात करेंगे, तो यहाँ पर यौगिक असीमाक्ष, तो हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक असीमाक्ष मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक असीमाक्ष बनाते हैं। जैसे कि अपने पास ये एक है असीमाक्ष है, ये एक असीमाक्ष है, और इसी प्रकार से एक यहाँ पर एक क्या है, असीमाक्ष है, तो यहाँ पर एक प्रकार से क्या बन गया, यौगिक असीमाक्ष बन गया। ये असीमाक्ष है, ये एक असीमाक्ष है, तो इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, यौगिक असीमाक्ष बोलेंगे। हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक असीमाक्ष मिलकर क्या बनाते हैं, यौगिक असीमाक्ष बनाते हैं। ये किस में पाया जाता है? गुलमोहर में होता है, ये होता है गुलमोहर, गुलमोहर होता है, यक्का होता है, इसके अंदर एक प्रकार से क्या पाया जाता है, यौगिक असीमाक्ष पाया जाता है। तो ध्यान दें, यौगिक असीमाक्ष। नंबर तीन स्पाइक, स्पाइक क्या है? स्पाइक की यदि हम बात करें, तो स्पाइक इसके अंदर मुख्य अक्ष लंबा होता है, स्पाइक की यदि बात करें तो इसके अंदर मुख्य अक्ष क्या होता है, लंबा होता है, तथा सभी पुष्प होते हैं जो एवरंत प्रकार के होते हैं, सभी पुष्प होते हैं जो एवरंत प्रकार के होते हैं, और ये होता है एक प्रकार से चौलाई है, चौलाई, लट जीरा, चिड़चिटा, चिड़चिटा आदि के अंदर एक प्रकार से क्या पाया जाता है, स्पाइक प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। यानी इसमें क्या होगा कि मुख्य तो लंबा है, लेकिन सभी पुष्प होते हैं जो अव्रंत प्रकार के होते हैं, यानी इनमें व्रंत नहीं पाया जाता है, ये पुष्प लगे होते हैं। जैसे आप चिड़चिटा देखते हैं, किसी खेत से जा रहे हैं तो कपड़ों से चिड़चिटा लग जाता है, वही प्रकार से क्या है, स्पाइक प्रकार का पुष्पक्रम है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें स्पाइकलेट, स्पाइकलेट
स्पाइकलेट क्या होता है? यह एक प्रकार से स्पाइक का एक छोटा रूप है, स्पाइक का ही छोटा रूप है जिसके ऊपर शुष्क व खुरदरे क्षय पत्र पाए जाते हैं, यानी स्पाइक का ही छोटा रूप है जिसके ऊपर शुष्क व खुरदरे क्षय पत्र पाए जाते हैं, और ये स्पाइकलेट होता है जैसे गेहूं के अंदर होता है। गेहूं है जो है जई है, इसके अंदर एक प्रकार से कौन से पाए जाते हैं? स्पाइकलेट होते हैं। ध्यान रहे, तो इसमें कौन सा होता है? स्पाइकलेट, ध्यान रखना है। इसके बाद में कैटकिन, कैटकिन प्रकार का पुष्पक्रम किसमें पाया जाता है? जैसे हम बात करते हैं कैटकिन, कैटकिन पुष्पक्रम की यदि हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है? कैटकिन प्रकार के पुष्पक्रम के अंदर एक प्रकार का मुख्य अक्ष लंबा व कमजोर होता है, इस प्रकार से होता है, और इसके ऊपर पुष्प होते हैं जो एवरंत प्रकार के होते हैं। ये एवरंत प्रकार के हैं, और ये आप देखते हैं किसमें होता है? सैतूत में होता है, सेलेक्स। इनके अंदर एक प्रकार से कौन सा होता है? कैटकिन। ध्यान रखना है आपको कि मुख्य अक्ष होगा जो एक प्रकार से कैसा होगा? लंबा होगा, कमजोर होगा, जैसे आप झुकाव देख रहे हैं, लेकिन पुष्प होते हैं जो कैसे होते हैं? एवरंत प्रकार के होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, एवरंत प्रकार के होते हैं, यानी इनमें व्रंत नहीं पाया जाता है। तो ये कैटकिन प्रकार का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि कैटकिन प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। जैसे आप यदि हम बात करें स्पाइक की बात करें तो नीट में आया क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था निम्न में से एक प्रकार से चौलाई के अंदर पुष्पक्रम का प्रकार पाया जाता है, तो आपको ऑप्शन डाल देगा कि जैसे चौलाई डाल दिया या और गेहूँ डाल दिया, सैतू डाल दिया, तो आपको ऑप्शन ध्यान रखना है। तो इस पुष्पक्रम के अंदर से एक या दो क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये कैटकिन प्रकार का किस में होता है? सैतूत में होता है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें स्पेडिक्स, स्पेडिक्स की बात करें तो स्पेडिक्स प्रकार का पुष्पक्रम होता है, इसके अंदर पुष्पावली व्रंत होती है जो मांसल हो जाती है, मांसल हो जाती है, और ये एक प्रकार से किससे ढकी होती है? सह पत्रों से ढकी होती है। ये सह पत्रों से ढकी होती है, अर्थात ये किस में होता है? मक्का में पाया जाता है। ये किस में होता है? मक्का में। कौन सा होता है? स्पेडिक्स। तो ध्यान रखें कि मक्का के अंदर जो पुष्पक्रम का प्रकार होता है वो कौन सा होता है? स्पेडिक्स होता है, जिसके अंदर पुष्पावली व्रंत होती है जो कैसी हो जाती है? मांसल हो जाती है, तथा एक प्रकार से सह पत्रों से क्या होती है? ढकी होती है। तो पुष्पक्रम के और भी प्रकार होंगे जिसकी हम आगे बात करेंगे, इनको आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये स्पेडिक्स है, उसके बाद में आगे समसिक आएगा जिसके हम बात अगली क्लास में बात करेंगे, उसके बाद में छत्रक भी होगा, यौगिक छत्रक।